30% का टैक्स क्या होगा दोस्तों, हम जैसे इन्वेस्टर का इंडिया में यार 30% का टैक्स लग चुका है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक बड़ा मुकाम दीवार से खड़ी कर दी है कि लोगों को कूदना है नहीं कूदना। अगर आपको कूदना है तो आपको 30% का टैक्स देना होगा, अगर आपको नहीं कूदना तो कुछ नहीं। समझ लो यार 30% का टैक्स तो देना भी है, उसके साथ साथ 1% का TDS भी कटेगा अगर आप ट्रांजेक्शन भी उसमें करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। और मैं आपको बता दोस्तों यार दिल तो दुखता है, 30% उनके दिल तो दुखता है, लेकिन एक चीज सोच के मेरे को थोड़ी सी पॉजिटिव माइंड होता है कि चलो क्रिप्टो करेंसी को मैंने सोचा था ये करेंगे, लेकिन बीच में जब बैंड की न्यूज आई थी दोस्तों तो दिल बहुत घबराया था कि अब बैंड तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक ये चीज तो फिक्स होगा कि अब क्रिप्टो करेंसी बैंड नहीं होने वाली, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स का आवेदन कर दिया है। अब टैक्स लगेगा तो पक्का ही इसको बैंड नहीं करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से इसको रूल्स फॉलो कर जाएंगे, रूल और रेगुलेट किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भी बता देता हूं कि अब मार्केट धीरे धीरे अप हो रही है, आप देख सकते हैं ग्रीन देखने को मिल रही है, क्योंकि एक पॉजिटिव बात भी निकल के आ गई कि मतलब क्रिप्टो करेंसी पर रोक नहीं लगने वाला इंडिया में, और क्रिप्टो करेंसी अपने लेवल पे आगे की तरफ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर गवर्नमेंट ने इतनी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि भाई आरबीआई से निवेदन कर रहे हैं, आरबीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसके लिए एक वो जो अपना 2022 और 23 के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपना खुद की ब्लॉकचेन, अपने खुद की एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं आरबीआई की तरफ से डिजिटल करेंसी, तो उसके बेस पे भी मतलब आगे वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी में आपको बहुत ही पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी मार्केट लेवल में। अब मार्केट की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं मार्केट भी अब धीरे धीरे करके ग्रीन हो रही है, यानी कि मार्केट भी पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि न्यूज को लेकर इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि कॉइन के जो मार्केट लेवल होता है ना ये सब डाउनग्रेड में देखने को मिलता है, क्योंकि सारे लोग इसमें से भाग दौड़ करते हैं और सब कुछ मार्केट थम्स रह जाता है। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों पॉजिटिव न्यूज तो आ गई है कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रही, और क्रिप्टो करेंसी में लेकिन 30% का टैक्स लग रहा है, जो इसको सोच के दो से इन्वेस्टर इसको नेगेटिव वे में भी ले रहे हैं। अगर नेगेटिव वे में ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉजिटिव अगर सोचोगे तो पॉजिटिव भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये सोचो कि क्रिप्टो करेंसी अब बैन नहीं हो रही, अब क्रिप्टो करेंसी में कुछ करना है तो कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आपको 30% भी उतना कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि देखो मिल रहा है ना कुछ तो उसको तो लेके चलिए। लेकिन दोस्तों इसमें नुकसान थोड़ा सा ये भी है कि जो का जिसका लॉस भी हो रहा है, जिसका लॉस भी हो रहा है यार, उसको भी 30% अपना पे करना पड़ेगा यार क्रिप्टो करेंसी में। ये तो बड़ा बेकार चीज है ना, इसमें मजा नहीं आया। तो दोस्तों इसको देखते क्या होता है, लेकिन अभी फिक्स ये नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी में 30% किस चीज का लगेगा, मतलब इन्वेस्टर पर लगेगा या एक्सचेंज जो चला रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के जो बड़े बड़े ये हैं इंडिया में एक्सचेंज, क्या उन पर लगेगा, ये किस पर लगेगा ये नहीं पता। अब हम तो यूज करते हैं खासकर एक्सचेंज, जैसे इन्वेस्टर होते हैं उनको एक्सचेंज के थ्रू सारा क्रिप्टो करेंसी बाय एंड परचेज सेल करना पड़ता है, लेकिन हमें को हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है सीधा एक्सचेंज के थ्रू होता है, तो हमें एक्सचेंज को पे करना पड़ेगा। किस तरीके से पे करना पड़ेगा इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आ जाएगी, आपको थोड़ा सवर करना। क्रिप्टो करेंसी में देखो ऐसे ही होता है, सभी कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जो कि उनके लिए फायदा हो ये सोच के बनाया जाता है। तो इसी तरह से इंडिया में भी ये रूल और रेगुलेशन अब आ गया है, तो अब बात करते हैं इसके बारे में कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। अब दोस्तों आने वाले टाइम में देखो दोस्तों आरबीआई भी खुद की एक डिजिटल करेंसी बनाने वाला है, और साथ साथ खुद की एक ब्लॉकचेन होगी उनकी, जो कि जिसके थ्रू सारा रेगुलेट होया जाएगा। अब देखते क्या होता, प्लानिंग क्या है इंडिया का जो नया कदम, जो कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर जैसे टैक्स उन्होंने लगाई दिया 30% का, 1% का TDS लगा दिया, अब इसमें और ज्यादा रोल लग गया तो भाई दोस्तों दिक्कत तो आएगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब आने वाले टाइम में क्या पता आरबीआई की तरफ से जो डिजिटल करेंसी आएगी और साथ ही साथ उनके जो ब्लॉकचेन आएगी, क्या पता हमें आरबीआई की जो करेंसी और ब्लॉकचेन के थ्रू बहुत सारी चीजें हमें डिजिटली करने को मिल सकता है, यानी कि डिजिटली हम कुछ सामान परचेज कर सकते हैं, मार्केट में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है कि मतलब क्रिप्टो करेंसी का यूज एसेट्स की तरह तो होएगा ही, एसेट्स के रूप में ही लिया जाता है, लेकिन अब उसको और चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि लाइक हम कुछ शॉपिंग करना या कुछ, मतलब क्या पता आने वाले टाइम में जो आरबीआई की तरफ से डिजिटल करेंसी बनेगी और ब्लॉकचेन होगी, क्या पता उसके थ्रू हमें एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा कि हमारे बैंक जितने बैंक अभी जो अलाउ नहीं कर रहे वो बाद में अलाउ कर देंगे क्रिप्टो करेंसी का भी जो हम ट्रांजेक्शन है उसको यूज कर सके, तो ये चीज देखने को हमें मिल सकता है। देखो TDS काटने का एक मकसद तो यही है कि उनको ट्रैक करने में आसान रहेगी क्रिप्टो करेंसी के जो
ट्रांजेक्शन कहां से कहां हो रही है, एक करेंसी किस में यूज हो रहा है, किस तरीके से इसको यूज किया जा रहा है। तो एक मकसद यही है जिसके थ्रू इसमें टीडीएस के तौर पे 1% का इनका टीडीएस लगा दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दूं अभी आप पॉजिटिव रहिए अगर आप चीजों में इसमें समझ रहे हैं तो, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें चेंजेस देखने को मिलेगी, अपडेट ऐसी आती रहेगी। दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता है, साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना जो कि डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक रख दिया है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट करिए आपको क्या क्या अपडेट चाहिए और किस कॉइन के बारे में चाहिए ताकि आपके लिए मैं नई नई वीडियो लेके आऊं। दोस्तों आज के लिए इतने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्ते, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, टाटा।